ये है पापा का जूता पहनने का, देखिए अब जाके इनको इधर से सीधा लग रहा, तो ये ऐसे बना रहे हैं और लेकिन ये इतनी बिजी थी कि भाई रख ही नहीं पाए, बोली कि रात में रखेंगे, तो अभी बज रहे हैं रात के 8। तो वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल वाले ब्लॉग में सीन ऐसा हो गया था भाई कि अपन ने पूरा ब्लॉग ढंग से शूट नहीं किया, उसका रीज़न एक ही था कि बारिश इतनी तेज़ हो गई थी भाई यार कि ब्लॉग करने बन नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ट्रैफिक थी, गाड़ियाँ फंस रही थी और रीज़न भी सेम था बारिश। हम रहते तो उसके पास में मैक्सिमम से 1 से 2 किलोमीटर दूर पे ही वो फ्लाईओवर का काम चल रहा है ना, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होने की वजह से ब्लॉग में और ढंग का बना सकता था लेकिन बनाया नहीं। रीज़न ये भी था कि हमारी मोहतरमा जी साथ में गई नहीं, अब मोहतरमा साथ में जाती तो थोड़ा और अच्छा बन पाता। यही है, अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 12:30 बज चुके हैं। 12:30 बजने का रीज़न एक ही है कि इतना लेट ब्लॉग शुरू करने का एक ही रीज़न है कि अभी जो आप ब्लॉग देख रहे हैं ना, वो ब्लॉग मैं अभी एडिट करके और जस्ट अपलोडिंग पे लगाया, उसका टाइम शेड्यूल थोड़ा उल्टा हो गया है, आज थोड़ा लेट जाएगा। हम जो हैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, कभी बच्चे, कभी बीवी, कभी क्या लव, सब बच्चे को नहीं संभाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं संभाल रहे हैं, क्या बात कर रही हैं। बच्चे को जब डांट पड़ती है ना तो वो आता है पापा, ना बेटा पापा, किसके मेरे हाथ में लगा दीजिए सावन वाला मेहंदी है भाई। धर्मपत्नी का मन कर दिया भाई कि वो लिखने का, मेहंदी लगाने का, तो वो मेहंदी ही लगा रही है और लगाएंगी। मैं उनको बोला हूँ जो दिल में आए वो लगाइए और वो लिखिए, क्योंकि अपन तो अब तो हो गए, शादीशुदा हो गए, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनका बिना मेकअप में है तो फिर टेंशन मत लीजिएगा, बिना मेकअप के सारी बीवियाँ सेम लगती हैं और मेरी बीवी वैसे भी खूबसूरत ही लगती है। डलेगा नहीं ये, डलेगा डलेगा सेव डलेगा भाई। अरे भाई अपन कमें आप लोग कमेंट करके बताओ ना यार, बिना मेकअप के आपके आपकी बीवियाँ ऐसी लगती है। मुझे पता है बहुत लोगों की तो बीवियाँ है नहीं अभी, लेकिन जिनकी भी है वो बता दो यार। तो मैं वेट कर रहा हूँ मेरे जूते का, जूता कब आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज का डिलीवरी डेट दिया है, मैं बस वेट कर रहा हूँ जूता आ जाए तो फिर थोड़ा अच्छा हो। डिलीवरी का टाइम दे दिया, आज ही का और अभी का दिया है, मैं बस बोल के आया हूँ पूजा को कि यहाँ वो नीचे शॉप पे है, मैं उनको बोला हूँ कि भाई अगर आएगा तो आप रिसीव कर लेना, फिर मेरे को दे देना। जूता मैंने ऑर्डर कर दिया था घर पे ही रह के, तो जूता ऑर्डर करने का फ़ायदा एक ही हुआ था कि वहाँ पे डिलीवरी वाले में बहुत लेट दे रहा था, तो मुझे कहीं जाना था, मुझे यहीं आना था, इस वजह से मैं यहाँ पे डिलीवरी कर दिया कि मैं यहीं पे आऊँगा, जब तक पहुँचूँगा तब तक हो जाएगा मेरा डिलीवरी। हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ लगभग ट्यूज़डे का आया हूँ, लेकिन 1-2 दिन तक तो पूरी बारिश हो रही थी, आप देख ही रहे थे कि बारिश में कितना पानी भरा पड़ा है यार, कभी कभी बारिश में निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन मेरा जूता आ गया है और बज चुका है लगभग 1:41। तो जस्ट इसको मैं ओपन करता हूँ और अनबॉक्स करके देखता हूँ क्या है इसमें। भैया ये तो बीबी को पसंद है इसलिए जो भी लग रहा है अच्छा ही लग रहा है, मुझे भी अच्छा ही लग रहा है। तो वाइट और वो वाला भी है, वो वाला भी जूता पहुंच चुका है उड़ीसा में, अगर वो जब मैं पहुंचूंगा रूम पे तो उसको दिखा दूंगा। ये वाला जूता मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि मैडम बोल रही थी भाई कि थोड़ा साइड वाइड पहने जाने के लिए सस्ता भी है और अच्छा भी है। बस इसी का 2000 का जूता मैंने आज तक गाइस 400 से ज़्यादा कोई सैंडल नहीं पहना है और ये 2000 का जूता पहनते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ये 2000 का नहीं है, ये होगा 1000-1200 का जूता है, 1800 कुछ रुपए का है, 1000 रुपए का जूता है भाई, हम भी इतना महंगा जूता नहीं पहनते हैं। जूता हमारे बाबूजी पहन चुके हैं, पहन के निकलने वाले हैं, और हम जूता पहने थे ना तो हमको बोलने की अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इनको मैं पहनाया नहीं था, तो अभी आए हाय हाय खुद ही गिर गए अभी भाई, ये बोल रहे फेंक दो हैं, फेंक दो, फेंक दें, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है बाबू, फेंक दीजिए। अरे भाई पहन के गिर गया तो बोलता है कि अच्छा नहीं है, क्या करेंगे बेटा इसको पहन के, ये वाला भी पहन लो बेटा तब ना चलोगे पहन के। ये है पापा का जूता पहनने का, देखिए ओके इधर चलिए, अब चलिए तो चल भी नहीं पा रहा, पापा का जूता पहन के चल भी नहीं पा रहा।
आराम से। टी शर्ट तो इसका नया है पर उसको एक महीना बाद निकाले, वो भी पता नहीं कहाँ से इतना चिंगुरा हुआ कपड़ा इसका। बैग मम्मी है सबकी ऐसी ही होती भाई, उसको रख देती है लेकिन उसको फोल्ड नहीं करती, बस रख देती है। जूता का रिव्यू देंगे, वो पहन के चले हैं ना तो वो बोलेंगे कैसा है, कैसा है बेटा जूता, कैसा है बेटा, अच्छा नहीं है। तो बाबू कैसे रोती है आलिया, ऐसे रोती है पापू, ऐसे रोती है, ओ अली ऐसे रोती है, ओ माय गॉड। और कैसे हंसती है अली, अली कैसे हंसती है बेटा, ओ टेढ़ा हो जाएगा। अभी मैं बाहर निकल के आया हूँ एटीएम जाने के लिए, बारिश तो हल्की हल्की हो रही है लेकिन मौसम ऐसा है ना कि समझ में नहीं आ रहा, उमस भी है बारिश भी हो रही है, बारिश का मौसम भी है लेकिन ठंडा मौसम नहीं है। एक सीन ऐसा हुआ भाई कि मैं अपने जूते की जो है इनॉग्रेशन के लिए, नए जूते का इनॉग्रेशन जो है मैं खुद कर रहा हूँ, वो भी अपने बारिश में आके। मुझे पता है कि ये गंदा हो जाएगा, नीचे वाइट है लेकिन मुझे क्या है, पहन के तो आना ही था भाई, तो पहन के आ गया जस्ट चेक करने के लिए कि हाँ कम्फर्टेबल है कि नहीं है। है बहुत अच्छा कम्फर्टेबल है, बस आया हूँ मैं एटीएम से पैसे निकालने, कुछ काम है निकाल कर फटाक से जाऊँगा। दुकान दिख रही है ना साइड वाली, यहाँ पे समोसे बहुत ख़तरनाक मिलता है, समोसे या मिठाई वगैरह जो भी हो बहुत मस्त मिलता है। मैं मैक्सिमम टाइम यहीं से लेके जाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त मिठाई देता है और लगभग मैं हर जब भी आया हूँ मैं यहीं से खाया हूँ और अच्छा ही मिलता है। समोसे इसका एक 12 या 13 रुपये का मिलता है भाई, लेकिन वो 12-13 रुपये की चीज़ है, इसमें काफ़ी बेस्ट है। चीज़ देख रहा हूँ कि मतलब कि ये तो काफ़ी अच्छी डेवलप सिटी है, और जब भी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तो लोग देखे जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है यार कि हाँ यहाँ लोग जानता नहीं है ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, लेकिन लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अपना तो काम करते जाना है, कौन से मेरे को सब यहाँ पहचानता है। जब पास में दिख रहा है ना, ये मुश्किल से रूम से है, पड़ता है लगभग 3-4 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम, कितना भी आराम से आओ 5 मिनट में पड़ता है। मैं मस्त हमेशा से यहीं से निकलता हूँ। पैसे सामने कोई है क्या, पैसे है, ये हमारे SBI जो हर जगह पहुँचा है देश में, पैसे में निकल गया। लेकिन गर्मी कितना खतरनाक है यार, बारिश तो इतना अच्छी हो रही है लेकिन फिर भी गर्मी कंट्रोल नहीं है, उमस बहुत ज़्यादा है यार। फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे तो मौसम ऐसा ही है, सबको पता है, नोन है। ना कि मैं कुछ बोल ही क्या, मतलब गर्मी है तो है, उसमें बोलना क्या है। मैं सोचा कि छत पे आके बैठता हूँ, ऊपर भी सेम यही चीज़ है। कहाँ लेके भाग रहे हो, लड़ाई नहीं करना है, साथ एग्जाम बज रहा है, इसकी एक फ्रेंड है अली जो इसको हमेशा टाइम घूमती रहती है। देखे नहीं ना, देखो अली गिरा है ना, इसलिए नहीं कुछ बोलेंगे हैं, अभी कोई और गिरा तो रोने लगते हैं। 8 बजे का मेहंदी रखने का प्रोग्राम था, 8 से जब जिसमें जूता आया था 12 बज रहा था उस समय था प्रोग्राम, लेकिन ये इतनी बिजी थी कि भाई रख ही नहीं पाए, बोली कि रात में रखेंगे, तो अभी बज रहे रात के 8, तो 8 बजे बीवी का मन कर दिया भाई कि मेहंदी रखने का, तो मैं सोचा चलो भाई कर लो, इसी में खुश रहो, तो इनका थोड़ा सा सपना पूरा कर देते, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। हाँ जी आई आई आइए देखते हैं, हाँ जी का भी मन किया, आप क्या रखे हैं बेटा दिखाइए, साफ कर दिया, आप अपना साफ कर दिए, इनके भी हाथ पे छिया लग गया, इनको लग रहा है छिया लग गया तो इसलिए ये हटा रहे हैं, क्या उसको लग रहा है भाई कि इनके हाथ में छिया लग गया है, गंदा सा दिख रहा है तो वो मिटा दिया, उसके हाथ में थोड़ा बहुत लगा था तो वो मिटा दिया है, और मैं रखने जा रहा हूँ, आइए चल के मिल के देखते हैं क्या होता है। तो ये रख रही हैं मैडम हमारी, नाम लिख रही हैं, क्या रख रही हैं, दोनों लोगों का नाम तो ऐसे ही है, पुत्र जी, बेटा जी आप क्या कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ये भी मम्मा का सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ छिया लग रहा है, ये बोल रहे हैं छिया लग रहा है, क्या बोल रहे हैं कि पापा के हाथ में छिया लग रहा है, पापा क्या कहने का मतलब, मम्मी जो है पापा को छिया लगा रहे हैं, क्या चले गए अभी थोड़ा सा गुस्सा होके,
बहुत समय तक ब्लॉक किए, थोड़ा थक गए हैं तो मौसी के पास गए हैं। एक मेहंदी रखने के लिए मैडम कितना मेहनत कर रही हैं ये। मैं कैसे कैसे हाथ अपना करके ऐसे ऐसे करके तो कर रहा हूँ। ये देखिए हाथ, ये अब जाके इनको इधर से सीधा लग रहा, तो ये ऐसे बना रहे हैं और आगे ऊपर मेरा नाम है, नीचे इनका नाम है। देखते हैं कि वो मेरा नाम अच्छे से लिख पाई हैं कि अपना नाम, क्योंकि अपना नाम हर कोई बहुत सालों से ट्राई करता रहता है ना, तो वो उसमें एक्सपर्ट रहता है। बदमाशी नहीं, बदमाशी कहाँ चढ़ के गए थे बेटा? देखो ये देखिए, मेरे ऊपर चढ़ के मेरा ही टोपी निकाल लिया सर से और अपने लगा रहे। सही बात है, जब बोलते हैं ना कि बेटा जो अपने पिता को देख के सीखता है, मैंने टोपी पीछे लगाना शुरू किया था, तो ये भी अपने पीछे टोपी लगाना शुरू कर दिए। किधर से लगा? अब ये हमारे सुपुत्र जी के साथ पास जा रहा है कैमरा, वो बनाएंगे ब्लॉग। तो गाइस फाइनली हमारा मेहंदी बन चुका है, और उसमें भी बाबू इतना परेशान कर दिया था ना कि मेहंदी बनने लगने नहीं दे रहा था। बहुत मेहनत से बनाया है, कभी उधर चढ़ जा रहा खिड़की पे, कभी इधर बाहर चला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, डर लग रहा था कहीं क्या हो जाएगा, और बार बार हिल जाने से दिक्कत हो रहा था। तो फाइनली आप देखिए संदीप प्लस सोना इज इक्वल टू कियांश, इसका आप लोग तोड़ निकालिए। आप सबको पता है संदीप प्लस सोना, दिख नहीं रहा ना, आप हाथ दिखा के बोलिए ना, संदीप प्लस सोना इज इक्वल टू कियांश, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग।